आम आदमी पार्टी के को कन्वीनर राघव चड्ढा जिस वक्त मेरे साथ हैं, अरविंद केजरीवाल पंजाब में दो दिना पंजाब दौरे पर है। राघव जी, आज एक बड़ा ऐलान पंजाब की महिलाओं के लिए किया गया और साथ में आज ऑटो के लिए एक मुहिम भी जारी की गई है, दोनों के बारे में क्या बताओगे? एक एक हजार रुपया हर महिला के खाते में डाला जाएगा। देखिए, एक आर्थिक आजादी महिलाओं को देने के लिए ये सबसे बड़ा शस्त्र आज अरविंद केजरीवाल जी ने प्रयोग किया है और इस शस्त्र से महिला सशक्तिकरण भी होगा, महिलाओं को एक आर्थिक आजादी मिलेगी। और जो सच्चाई है, समाज की वास्तविकता है कि आज हमारे घर परिवारों की महिलाओं को पैसे के लिए, कुछ जेब खर्ची के लिए घर के पुरुष की ओर, आदमी की ओर देखना पड़ता है। जो बीवी होती है पति से मांगती है, बिटिया होती है पिता से मांगती है, बहन होती है भाई से मांगती है, तो कहीं ना कहीं आज उनकी जेब में 1000 रुपए डालकर उन्हें चाहे नया सूट बनवाना हो, चाहे उन्होंने अपने सेलफोन का बिल भरना हो, एक आजादी, आर्थिक आजादी अरविंद केजरीवाल जी ने उन्हें दी है, जो आने वाले कई पीढ़ियों में आप इसका फायदा देखेंगे और महिला शक्तिकरण को महसूस करेंगे। एक बात पंजाब में चल रही है कि एक फ्री वर्सेस विकास का मॉडल आम आदमी पार्टी का था, लेकिन अभी जो ऐलान हो रहा है हर चीज को फ्री फ्री कहा जा रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? विकास के मॉडल पर इलेक्शन लड़ा जाएगा या फ्री की बात की जाएगी? ये विकास है, लेकिन ये लोगों का विकास है। दूसरा मॉडल है जहाँ पे मुख्यमंत्री अपना विकास करता है, अपना 7-स्टार होटल बनवा लेता है 5 साल के बाद, जैसे पंजाब में हुआ, या अपने लिए 2000 करोड़ का नया आलीशान एयरक्राफ्ट जहाज खरीद लेता है, उसमें निजी विकास होता है। ये लोगों का विकास है, लोका का विकास है, वो अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिया है। और ये विकास जो है, ये एक डिग्निफाइड लाइफ, यानी कि एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आपको जितनी बिजली चाहिए, जितना पानी चाहिए, जितना ट्रांसपोर्ट चाहिए और जितने पैसे चाहिए, ये सरकार दे। ये मॉडल यूरोप की कई कंट्रियों में इस्तेमाल होता है, यूरोप के अंदर बड़े बड़े विकसित देशों में आपको इलाज के लिए पैसे नहीं खर्चने पड़ते। एक बात और चल रही है कि जैसे तीर्थ यात्रा का आपने ऐलान किया, तो विरोधी पक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं कि पैसा कहां से आएगा। दिल्ली में भी आपने हालांकि इस स्कीम को लॉन्च किया है, उसके अलावा आपने बहुत से चुनावी राज्यों में ये चीज का वादा किया है कि जैसी सरकार आएगी तो मुफ्त में तीर्थ यात्रा शुरू की जाएगी। देखिए, पैसा ऐसे आएगा कि चन्नी साहब, पंजाब सूबे के माननीय मुख्यमंत्री, अपने दाहिने हाथ पे माइनिंग माफिया को बिठाते हैं, अपने बाहिने हाथ पे ट्रांसपोर्ट माफिया को बिठाते हैं। हम दाहिने और बाहिने हाथ पे माफियों को नहीं बिठाएंगे, हम लोगों की सरकार चलाएंगे। ये रेता और ट्रांसपोर्ट माफिया, ये दो माफिया ही खाली बंद कर दो तो ये सारा रकम, सारा पैसा निकल कर आ जाएगा। और पंजाब में तो इस टाइम 2 दर्जन माफिया चल रहे हैं। माफिया को भी केजरीवाल खत्म कर सकता है, बिजली भी मुफ्त अरविंद केजरीवाल दे सकता है, और महिलाओं को 1000 रुपए महीने कि एक सौगात, एक आर्थिक आजादी भी सिर्फ अरविंद केजरीवाल। आखिरी सवाल, पंजाब में मुख्यमंत्री का चेहरा कब तक अनाउंस होगा और कौन सा चेहरा है जो आम आदमी पार्टी का, क्योंकि वर्कर भी लगातार पंजाब में मांग करते नजर आते हैं, आपकी स्माइल भी कुछ बता रही है कि जल्दी शायद ऐलान हो सकता है। जल्दी होगा, बहुत जल्दी होगा, और मैं समझ सकता हूँ कि सब में एक उत्सुकता है कि सब लोग अपना अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये हर पार्टी का अपना अधिकार होता है कि वो स्ट्रेटेजिकली किस समय पे उस मुख्यमंत्री पद के चेहरे को सामने लाकर उसका नाम ऐलाने, वो थोड़ा सा हमारी रणनीति जो है वो हम पे छोड़ दो, बहुत जल्द करेंगे मैं वादा कर रहा हूँ, और समय नेड़े आ गया, पास आ गया। बहुत धन्यवाद। ये थे राघव चड्ढा, पंजाब के को कन्वीनर आम आदमी पार्टी के, जिन्होंने बताया कि वो समय आ चुका है और थोड़े ही दिनों बाद, थोड़े ही समय बाद जो मुख्यमंत्री का चेहरा है उसकी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, और साथ ही साथ जो पंजाब में माफिया चल रहा है उसको खत्म किया जाएगा, जहां से जो पैसा आएगा उसको लोगों की भलाई के लिए लगाया जाएगा और कोई भी चीज मुफ्त नहीं होती है, इसको भी एक विकास मॉडल के तौर पर देखना चाहिए। कैमरामैन मेहरबान के साथ रोहित पक्का, लुधियाना, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।